सानिया की शादी के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्टेड रहे हो तुम लोग हर चीज में, ये मेरे साथ रही है। भले डिस्टेंस था लेकिन फोन कॉल्स एवरीथिंग, वीडियो कॉल्स एवरीथिंग। कितने साल पुरानी दोस्ती है तुम लोग? पाँच साल हो गए। कैसे दोस्ती हुई, कैसी थी, क्या मिले थे, किसी ड्रामे में काम किया था क्या? अच्छा नहीं, आपको पता है ड्रामे में अभी तक काम नहीं, हमने नहीं कहो नहीं, एक दिन हमने कोई भी नहीं किया, हमने कोई काम साथ नहीं किया। असल में सिद्रा बतूल के उनके फैमिली में शादी थी देवे की, तो उसने हम दोनों को इनवाइट किया हुआ था। तो हाँ, ये जिस तरह मीठा मीठा बोलती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह बात करती हैं, तो मेरी इनसे बात शुरू हो गई वहाँ पर। फिर हमने ऐसे कहा कि चलो किसी दिन मिलते हैं हम लोग। तो जिस दिन हम लोग मिले, हमने मूवी प्लान किया। हाँ, हम लोग मूवी देखने गए और लाइक उससे पहले लाइक मेरे लिए बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मेरे लाइक नो जैज़ का बिलबोर्ड लगा, लाइक ह्यूज बिलबोर्ड मेरे लिए अचीवमेंट थी। तो मूवी के बीच में से ही मुझे ना सिट्रस से कॉल आई कि ना आप अनमरा जाके शराइफ फैसल पे देखो तुम्हारा बोर्ड लगा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, मैं उस वक्त हमारी ऐसी थी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, ऐसी वाली दोस्ती। और जैसे हम लोग रोड पे लाइक मैंने जब इतना अपना ह्यूज बिलबोर्ड देखा है तो लाइक ये भी इतना खुश हुई, मैं भी, और फिर मेरी तस्वीरें ले दी है ये वो। बस उस दिन के बाद से ग्रेजुअली इस तरह होने लगा कि आदत होने लगी एक दूसरे की, मजा आने लगा एक दूसरे की कंपनी में। फिर हम लोग नाइट सूट्स एक जैसे पहनते हैं, तो फिर हम लोग कपड़े हम लोग अगर कहीं कुछ लेने जाते हैं तो एक जैसा बाय करते हैं, पसंद भी एक जैसी आ जाती है। हम हमारे मेकअप की जो चीजें होंगी, ब्लश ऑन सेम होंगे, हमारे परफ्यूम सेम होंगे, तो भी वो कोइंसिडेंस। जब तुम्हारी शादी से पहले की दोस्ती है? जी जी जी। जब इसकी शादी हो रही थी उसने तुम्हें लड़का वड़का दिखाया था कि ये देखो मेरी अम्मी अबू ने ये ढूंढा है और ये वो? बेचारी को नहीं खुद पता था, इसकी टोटली माशाल्लाह से अरेंज हुई थी, से डिस्कस किया था सब कुछ, लेकिन मैं शहर में नहीं थी, आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर, लाइक तो मैं कहीं और मैं इसकी शादी अटेंड नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। पर अभी बहुत बात होती है और इसकी जिंदगी में भी जो भी बोछाल आया, जो भी आया, इसने सब डिस्कस किए तुमसे? बोछाल के साथ ही साथ थी, मेरे बोछाल साथ, बोछाल इधर था और मैं इधर। ओ माय गॉड। तो तुम हमेशा कभी कैथार्स करना हो और ये तुम्हारे साथ भी नहीं है, क्योंकि तो इतनी दूर चली गई थी शादी होके, तुम इसे फोन करती थी? हम बात करते थे, हम डे एंड नाइट बात करते थे। यस, हमारे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में हमारी दोस्ती में कोई भी वो गैप वो नहीं आया, चीज मिसिंग। क्या तुमने क्या सानिया देखी इसमें बात कि तुमने इसे अपना दोस्त बनाया? और निम्रा तुमने क्या देखी सानिया में अपनी बात कि तुमने इसे अपना दोस्त बनाया? कोई एक चीज होती है ना जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है? एक तो वाइब, आप जब भी किसी से मिलते हैं आप देखते हैं कि वाइब क्या है। एक तो पॉजिटिव बहुत है और तमीज से मिलती हैं, रिस्पेक्ट बहुत करती हैं। तो मुझे लगता है दो चार चीज़ें होती हैं जो आप किसी से कोई भी रिश्ता बनाते हैं आप देखते हैं। तो उसके अलावा तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पॉजिटिव बहुत है। दोस्ती में एक तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, भले हमारी जितनी गहरी दोस्ती हो, हम कभी तू तड़ा कभी इस तरह उस तरह से हम बात नहीं करेंगे, तमीज़ से आप करके ही, मुझसे आज भी आप करके बात करती है, लेकिन मैं भी इससे। तो तुमने क्या देखा था सानिया में जब तुमने? एक तो शी सॉफ्ट स्पोकन पहली चीज़, और दूसरा गुड लिसनर, लाइक मैं जब भी कुछ बोलती हूँ सुनती है मुझे, फिर समझती भी है, कभी गलत नहीं कहेगी, और अगर गलत होंगी तो समझाएगी। तो कभी मैं मतलब हूँ तो मैं इससे बड़ी, लेकिन कभी मैं इसकी बड़ी बन जाती हूँ, कभी ये मेरी बड़ी बन जाती है। तो इसलिए लाइक ये चीज़ें, आपकी जिंदगी में जब कुछ मसला होता है तो आपको नहीं समझ आ रही होती, तो आपकी फैमिली या फ्रेंड्स ज्यादा क्लियरली देख पा रहे होते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो मैं बता देती हूँ। लेकिन कभी भी शायद सनिया शायद कभी कभी अपनी फैमिली से कोई बात शायद वो चीज़ ना कर पाई जो वो मुझसे करती थी हमेशा से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।